रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सदर पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह इस संदर्भ में आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक 2 दर्जन लोग पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद लालची लोग अब भी कालाबाजारी में लगे हुए हैं। इसी बीच सदर पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक जरूरतमंद को रेमडेसिविर की जरूरत है और 2 व्यक्ति उन्हें वो इंजेक्शन ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने योजना बनाई और 2 आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों में मनीष जोशी और गोपाल शर्मा इन 2 आरोपियों का समावेश है, जिसमें आरोपी गोपाल के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामला दर्ज है। आम्ही सध्या तपास पथकामध्ये काम करत असून आमच्या स्टाफना गुन्हे प्रकटीकरण पथक आणि प्रिव्हेंटिव्ह पथक यांना माहिती मिळाली की या एक गरजू इसम जैसल नावाचा आहे, त्याला 2 इंजेक्शन की आवश्यकता आहे आणि तो इंजेक्शन काही 2 अनोळखी इसमाकडून विकत घेणार आहे अशी माहिती मिळाली। मग सदरची माहिती आम्ही वपोनेसो बाकल साहेब यांना माहिती दिली आणि वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सापळा रचून 2 आरोपी मनीष जोशी आणि गोपाल शर्मा यांना सापळा रचून ताब्यात घेतलं। त्यावेळेस त्यांच्याकडून 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि 57,000 रुपये कॅश आणि गुन्ह्यामध्ये वापरलेले जे मोटरबाईक हे ताब्यात घेतले। पोलीस ठाणे येथे आणून त्यांच्यावर योग्य ते कारवाई करून गुन्हा दाखल केलेला आहे। इस वक्त पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी 1 रेमडेसिविर इंजेक्शन को 31,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन 57,000 रुपए और 1 दोपहिया वाहन जब्त की है। वह इस संदर्भ में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।